और सबसे बड़ी खबर आ रही प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन सरकार का असर दिखने लगा है। जयपुर मेट्रो रूट के विस्तार के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने हरी झंडी दी है। मंत्रालय ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी। अब इन प्रोजेक्ट्स के लिए NCRB से ऋण मिल सकेगा, NCR प्लानिंग बोर्ड से मिल सकेगा 888.66 करोड़ रुपए का ऋण। बोर्ड के प्रोजेक्ट सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक हुई थी। 31 मार्च को बैठक में ऋण देने का प्रस्ताव डेफर कर दिया गया था। मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति न मिलने के चलते ही डेफर किया गया था। सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए केंद्र व राज्य के बीच अब बातचीत चल रही थी। पिछले करीब 10 महीने से चल रही थी ये बातचीत। जयपुर मेट्रो रूट का बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से अजमेर रोड तक किया जा रहा है विस्तार। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम प्रोजेक्ट था और जयपुर मेट्रो रूट के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार का असर भी नजर आने लगा है। कैसे अब इसकी पूरी प्रक्रिया होगी? बिल्कुल श्वेता, प्रदेश की जो विकास परियोजना है उनको गति देने के लिए आज से अगर हम देखें तो वाकई डबल इंजन की सरकार का असर अब दिखने लगा है। ये जो जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का जो विस्तार किया जाना है इसकी कुल लागत 1184.89 करोड़ रुपए है और NCR प्लानिंग बोर्ड से जयपुर को जो है कम ब्याज दर पे लोन मिल सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि जयपुर जो है वो NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसका काउंटर मैग्नेट सिटी है, इसके नाते जयपुर को कम ब्याज दर पे मिल सकता है। तो इसी वजह से पिछली सरकार में इसके लिए आवेदन किया गया था। NCR प्लानिंग बोर्ड 75% राशि, जो कुल लागत का 75% राशि उपलब्ध कराएगा और ये राशि करीब 888 करोड़ रुपए है। तो इसके लिए पिछले 10 महीने से जो है बातचीत चल रही थी लेकिन अब जाकर वो जो है लोन फाइनल हुआ है, क्योंकि सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रालय की जरूरी थी। बिना सैद्धांतिक स्वीकृति के NCR प्लानिंग बोर्ड नहीं दे रहा था और ये जो अब ऋण मिल जाएगा तो इससे जो प्रोजेक्ट जो इसका विस्तार है 1C के तहत, 1C में जो है रामगंज चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक कॉरिडोर बनना है और 1D पैकेज उसमें मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड तक बनना है। रामगंज चौपड़ से और जो ट्रांसपोर्ट नगर तक है उसका काम शिलान्यास कर दिया था और उसका काम शुरू हो गया है और ये जो पैकेज 1D है उसका मौजूदा सरकार में ही शिलान्यास होना है। अभिषेक, सारी तैयारियां बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलना। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी बातचीत के लिए जानकारी।